हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूँ। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सारा सॉल्यूशन आपको बताया था। जो बच्चे ये वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप आई बटन पर जा करके क्लिक करेंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेजिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि ए अगर ये एक मैट्रिक्स इस तरीके का है तो आपको फाइंड पता करना है इसकी वैल्यू, यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश की एंड 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू आपको पता करना है। हम सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ए डैश क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें जो रो होती है उसे हम कॉलम में बदल देते हैं और जो कॉलम होती है उसे आप रो में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ए हमारे पास ये मैट्रिसेस है तो मुझे ए डैश पता करना है या ए का ट्रांसपोज पता करना है तो 0ab ये रो है ना, मैं इसे क्या कर दूंगा, कॉलम में चेंज कर दूंगा। -a0c तो -a0c, -b-c0, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश या ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, हाफ ए प्लस ए डैश की हमें वैल्यू पता करनी है। तो चलिए हम वैल्यू पता करते हैं। तो मैंने 1/2 लिख दिया और यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू पता करनी है। तो ए कितना है हमारा, ए की वैल्यू मैंने ये लिखा हुआ है 0-a-b, a0-c bc0, ये मैंने a की वैल्यू लिख दी। प्लस लगा हुआ है तो मैंने प्लस का साइन यूज़ किया और ये लिखा हुआ है a डैश, तो a डैश की वैल्यू ये है 0ab-a0c और -b-c और ये हो जाएगा हमारा 0। और ये मैंने इस तरीके से इसे ब्रैकेट लगा दिया। 1/2 आपका सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं इसको आपको ऐड करना है। ऐड कैसे होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, एलिमेंट टू एलिमेंट हमें ऐड कर देते हैं। किस तरीके से कि 0+0 क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। ए प्लस माइनस ए, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बी प्लस माइनस बी, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और बी में से बी लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस ए प्लस ए, 0 हो जाएगा। 0+0, 0 हो जाएगा। सी प्लस माइनस सी, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, सी माइनस सी क्या होता हमारा, 0 हो जाएगा। -b+b, 0 मिलेगा। -c+c, ये भी 0 हो जाएगा। और 0+0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 1/2 लिखा है, हाफ लिखा है, यानी कि इस 2 का डिवाइड हम इसमें देंगे, इसमें सारे में देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कोई रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 में आप किसी भी संख्या का डिवाइड आप करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, 0 रहता है। तुम्हारा क्या आ गया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ गया। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं आप, नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अब वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। कर लिया आपने, चलिए वीडियो पॉज करके नोट करना है और इसी में ही मैं आपको सेकेंड वाला पार्ट आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि हाफ ए माइनस ए डैश पता करना है। तो मैं इसी में से ही आपको समझा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो प्लस है इसे मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ये जो प्लस है इसे मैं माइनस कर दे रहा हूँ। अब जरा देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखें। बिल्कुल सेम इसी तरीके से मुझे करना है, क्या करना है कि 0-0, 0 आ गया। ए माइनस माइनस ए, ध्यान देना, ए माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए प्लस ए क्या हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा। बी माइनस माइनस बी, तो माइनस ये माइनस प्लस, यानी कि बी प्लस बी क्या बनेगा हमारा, 2b बन जाएगा। माइनस ए क्या बनेगा, माइनस का 2a बन जाएगा। 0-0 क्या बनेगा, 0 बनेगा। सी माइनस माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस, सी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारा, 2c हो जाएगा। -b-b, माइनस का 2b होगा। -c-c, तो माइनस का 2c हो जाएगा। 0-0, ये 0 हो जाएगा।
हाफ लिखा है, ये मैट्रिसेस लिखा है, यानी कि दो का मैं इस मैट्रिसेस में मैट्रिक्स में डिवाइड करूंगा, तो टू का डिवाइड जीरो में करेंगे जीरो आएगा, टू का डिवाइड टू ए में करेंगे तो ए, टू बी में टू का डिवाइड तो बी, टू का डिवाइड माइनस टू ए में तो माइनस ए, जीरो की जगह पे जीरो यूज़ करूंगा, टू का डिवाइड टू सी में करेंगे तो सी आएगा, टू का डिवाइड माइनस टू बी में करेंगे तो ये माइनस बी बनेगा, टू का डिवाइड माइनस टू सी में करेंगे तो माइनस सी आएगा, और टू का डिवाइड आप जीरो में करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस आंसर को, इस सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सॉरी बच्चों, मैंने लास्ट में अभी जो वीडियो समझाया वो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 समझा दिया था, तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है ए, और वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लीजिए एक्स कोई एक मैट्रिक्स है, कोई सा भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए इसका मैं ट्रांसपोज करूँ, लेकिन मुझे ट्रांसपोज करने के बाद भी वही रिजल्ट मिल जाए, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और रिजल्ट में मुझे क्या मिल जाए, माइनस एक्स मिल जाए, तो इसे मैं क्या कहता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता हूं। चलिए हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तब आपको थोड़ा सा ये समझा दूंगा मैं। आपसे कहा गया है कि ये ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको ये पता करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू ये लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए मैं इसका ट्रांसपोज पता करूं, यानी कि ए डैश पता करूं, तो ये कितना आ जाएगा कि जो रो जो है ये कॉलम में बदल जाएगी 1/5, और ये 6/7 हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो हमारे पास ए और ए डैश की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या पता करना है, ए प्लस ए डैश पता करना है। तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ए ए कितना है हमारा 1/5 6/7, और प्लस 1/6 5/7 ए डैश की वैल्यू है। चलिए हम पता करते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ये हमारा ए प्लस ए डैश हमारा क्या मैट्रिक्स ये आया हुआ है। अब मुझे क्या पता करना था कि ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं इसका क्या पता करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा, और अगर ट्रांसपोज की वैल्यू इसकी वैल्यू के सेम आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या मैं पता करूँगा कि ए प्लस ए डैश का भी मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज पता करूँगा। तो ये जो था ये क्या था हमारे पास, ये था, यानी कि 2 11 11 एंड 14, यही तो था। तो इसका मुझे क्या पता करना है, ट्रांसपोज पता करना है। तो ट्रांसपोज पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो रो होती है इसे कॉलम बदल देते हैं। तो ज़रा ध्यान देना, ये रो है 2 11, तो इसे मैंने कॉलम में बदल दिया 2 11। फिर अगली क्या है, 11 14, तो मैंने 11 14 मैंने यहाँ कर दिया। अब आप देखेंगे कि जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, इस वाले का ट्रांसपोज किया, लेकिन रिजल्ट दोनों के आ रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं, रिजल्ट आपके सेम आ रहे हैं। तो ये जो ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, मैं सेकंड पार्ट कराता हूं आपको इसका। हो गया, हटा दें, चलिए सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी मैं इसी में ही आपको समझा देता हूँ। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि आपको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि a माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए हम ये भी पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए था, हमने ए डैश पता कर लिया, ए का ट्रांसपोज पता कर लिया, तो जो रो थी उसे मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। मुझे ए माइनस ए डैश पता करना है, तो इस प्लस की जगह पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। 1 - 1 क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 - 6 - 1 बन जाएगा। 6 - 5
वन बन जाएगा, सेवन माइनस सेवन ये हमारा जीरो आ जाएगा। चलिए अब हमें a माइनस ए डैस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसे पता करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज पता करना पड़ेगा। तो a माइनस ए डैस का मुझे क्या पता करना है, ट्रांसपोज पता करना है। चलिए पता कर लेते हैं। तो ये जो रिजल्ट आया है 0 माइनस 1 1 एंड 0, इसका मुझे क्या पता करना है, ट्रांसपोज पता करना है। चलिए ट्रांसपोज पता कर लेते हैं। तो ये जो रो है 0 माइनस 1 ये पहला कॉलम बन जाएगा, और ये जो सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा। ये आ गया। अब मान लीजिए इस वाले मैट्रिक्स में माइनस वन मैं कॉमन ले लूँ, जरा ध्यान देंगे, माइनस आपका मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो जैसे ये माइनस कॉमन लोगे तो जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो वन पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये जो माइनस वन है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा ध्यान देंगे, माइनस की जगह माइनस, और इस वाला ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है, यानी किसके बराबर है, ए माइनस ए डैश के बराबर है, ए माइनस ए डैश के बराबर है। लेकिन साइन किसका लगा है, माइनस का। अगर माइनस का साइन नहीं आता और ये दोनों बराबर हो जाते सेम, तो वो कौन से होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। और अगर ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आता है लेकिन उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, निशान चेंज हो जाए, तो वो किस तरीके का मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी इस क्वेश्चन में आती है, कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो परेशानी जो भी होगी ये सॉल्व आपकी कर दी जाएगी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको इसमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपको जो नीचे चारों पार्ट दिए गए हैं उन सभी चारों क्वेश्चन को आपको किस तरीके से लिखना है कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स लिखकर उनका क्या कर देना है, सम में लिखना है, ऐड करके आपको लिखना है। इसमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम उसका फोर्थ क्वेश्चन है, तो मैं फर्स्ट वाला करा दे रहा हूँ, फोर्थ वाला आपको करना होगा। सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, तो सेकेंड वाला पार्ट में करा दूंगा, थर्ड वाला आपको ट्राई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपको ये दिया गया है कि ए ये वैल्यू है, तो मैंने ए डैस इसका पता कर लिया है, ए ट्रांसपोज पता किया है। तो ए ट्रांसपोज क्या है कि जो रो है 3 5 ये कॉलम बन जाएगा, और ये जो 1 -1 है ये अपना कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो हमारी क्या बनेगी, सेकंड कॉलम बनेगी। अब बात आती है इसको किस तरीके से लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरीके से लिखना है। तो जरा ध्यान देंगे, सारे सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन जरूर लेंथी है लेकिन सिंपल है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जरा समझेंगे, जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें यही फॉर्मूला लिखना होता है। मैं आपको सारा बेसिक एकदम समझाऊंगा, जीरो से चीज़ें समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। अब मैंने ये इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे लिखना था कि भाई हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें किस तरीके से लिखना है उसे, कि उसमें एक पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो, ये वाला पार्ट जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सम करना है, जोड़ सम ऐड करना है, किसका करना है, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही में जो लिखा हुआ है सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं अभी पता कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेट माना कि ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, इस वाले के हिस्से को मैंने P मान लिया, इस वाले हिस्से को मैंने Q मान लिया। तो जरा ध्यान से देखेंगे सारे वाले सारे बच्चे, यानी कि P बराबर क्या है, हाफ A प्लस A डैश है। चलिए हम इसकी वैल्यू पता करते हैं, जरा देखेंगे, तो हाफ A, A कितना हमारा ये लिखा हुआ है 3 5 1 -1, और प्लस प्लस की जगह प्लस ए डैश पता करना है, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज मैंने ये लिखा है 3 1 5 -1, तो 1/2 मैंने सेम लिखा। 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है, 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है, 1 + 5 6 होगा, और -1 + -1 तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 - 1 कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा।
अब आपको इस टू का इस मैट्रिक्स में डिवाइड करना है, तो टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स एंड टू वन जा टू हो जाएगा। ये पी की वैल्यू या इस पार्ट की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है। आपको एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो ये वाला यहीं तक सॉल्व करना है। लेकिन जिन बच्चों को ये समझना है कि ये जो पार्ट है आप कैसे कह रहे हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा है। ज़रा ध्यान से देखेंगे कि ये हमारी क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अगर मान लो मैं पी का ट्रांसपोज करूँ तो मुझे ट्रांसपोज करने पर भी अगर यही वैल्यू आ जाएगी तो ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे पता कर रहा हूँ पी का ट्रांसपोज या पी डैश एक ही बात है। तो ये जो रो है थ्री थ्री, ध्यान देना ये वाली जो रो है थ्री थ्री, ये क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। और ये जो थ्री माइनस ये सेकेंड रो है ये हमारी सेकेंड कॉलम बन जाएगा। और आप देखेंगे कि जब मैंने पी का ट्रांसपोज कर दिया है तब भी हमारे रिजल्ट एकदम क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या, यही तो होता है कि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। अगर ऐसा करने से जो मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि पी की वैल्यू यानी कि इसकी जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा था, इसकी वैल्यू को हमने जब इस मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज किया तो हमें सेम रिजल्ट मिल गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लेकिन आपको ये मैंने सिर्फ बताया है, ये आपको पता नहीं करना है सिर्फ इतना। तो हमारे इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री 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 माइनस वन आ गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ देर के लिए, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, थ्री 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 माइनस वन, थ्री 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 माइनस वन। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, मुझे हटाना है यहाँ पे, दोबारा इसकी वैल्यू पता करनी है। नोट कर लीजिए, हो गया हटा दें। चलिए अब मुझे यहाँ पे Q की वैल्यू पता करनी है, यानी किस पार्ट की करनी है, इस वाले पार्ट की पता करनी है। तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ये वाला मैंने पार्ट माइनस कर दिया। देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या आता है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो ये लिखा है थ्री माइनस थ्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा, वन माइनस फाइव माइनस फोर बनेगा, और माइनस वन माइनस माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कितना होता है हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। अब आप जैसे ही टू का डिवाइड इस मैट्रिक्स में देंगे, जीरो में देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जीरो टू का फोर में देंगे तो ये टू आ जाएगा, टू का माइनस फोर में देंगे तो ये माइनस टू बनेगा, जीरो सेम जीरो बना रहेगा। यानी कि हमारे पास ये किसकी वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू मिल गई। एग्ज़ाम तक सिर्फ इतना ही, लेकिन वही सब जिन बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि यार ये इसकी सिमेट्रिक कैसे है, ये भी हमें पता चलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्यू का क्या पता करेंगे, ट्रांसपोज पता करेंगे। तो ये जो रो है फर्स्ट रो, इसे फर्स्ट कॉलम बना देंगे, जीरो टू, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये जीरो तो जीरो ही बना रहेगा, ये जो माइनस टू है क्या बनेगा, प्लस का टू, ये जो प्लस टू है क्या बनेगा, माइनस टू, और जीरो हमारा सेम बना रहेगा। माइनस की जगह माइनस, अब जरा आप देखिए ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, और ये वैल्यू किसकी है हमारी, क्यू की। तो देखिए जब मैंने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आया लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स हम बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये हम इस तरीके से क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और दोनों को सम करके हम लिखते हैं, वैल्यू हमारी ए ही आती है, वही वैल्यू आती है। चलिए हमने इन दोनों की वैल्यू पता कर ली, इसकी भी पता कर ली, इसकी भी पता कर ली। अब मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख दूंगा, इसको हटा दें, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए अगर करना चाहें आप। हटा दूं बच्चों, चलिए हटा देता हूँ, ओह सॉरी, चलिए चलिए कोई बात नहीं, याद है मुझे। तो अब मुझे क्या पता करना है, ए की जगह पे मैंने ए की वैल्यू और पी की जगह पे पी की यानी कि इसकी वैल्यू। तो ये हमने पहली वैल्यू लिख दी है, तो मैंने इसको लिख दिया थ्री 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 माइनस वन, प्लस की जगह मैंने प्लस साइन किया, और ये क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमारी ये आई थी ज़ीरो टू माइनस टू ज़ीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जरा देखें ए की वैल्यू क्या है, थ्री प्लस जीरो, तो थ्री प्लस जीरो क्या होता है, थ्री, थ्री प्लस टू कितना होता है, फाइव, थ्री प्लस माइनस टू, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री माइनस टू क्या हो जाएगा, वन, माइनस वन प्लस जीरो तो माइनस वन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं आप। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। हो गया,
नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, सेम वही कि आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स को ऐड करके सम करके लिखना है। तो ए ये है, अगर मैं ए डैश या ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी, ये जो रो है ये क्या बन जाएगा, हमारा कॉलम बन जाएगा। 6 - 2 - 2 - 3 - 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनाएगा और थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा, 2 - 1 - 3 सेम। मैं लिखूंगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस तरीके से हम लिखते थे इसको, तो ए इक्वल टू ये लिखता था हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। अब मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं बताऊंगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये देखिए प्रूव लीजिए, लास्ट में आपको सारी चीज़ें बताते हुए कहूँगा, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता करूँगा और यहाँ पे ऐड कर दूँगा, लिख दूँगा। जरा ध्यान से देखें, मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू पता करनी है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, 1/2 मुझे ए लिखना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये रही 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3। एक बार चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बिल्कुल सही है, और प्लस करके मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए डैश की वैल्यू लिखनी है, तो ये मैंने लिख दिया 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 -1 - 6 - 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 1/2 अब मैं इन्हें दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, तो 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है, -2 + -2 तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, -2 - -2 क्या बनेगा, -4 बनेगा, 2 + 2 ये भी आपका क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, -2 + -2 तो प्लस और माइनस माइनस, तो -2 - -2 क्या बनेगा, -4 बनेगा, 3 + 3 - 6 बनेगा, -1 + -1 तो प्लस और माइनस माइनस, -1 - -1 - 2 बनेगा, 2 + 2 ये आपका 4 हो जाएगा, -1 + -1 तो प्लस और माइनस माइनस, तो -1 - -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 + 3 क्या बनेगा हमारा, 6 बन जाएगा। 2 का डिवाइड इस पूरे मैट्रिक्स में देंगे तो 2 - 6 = 12, 2 का -4 में देंगे तो -2, 2 का 4 में डिवाइड देंगे तो 2 - 2 = 4, 2 का -4 में देंगे तो -2, 2 - 3 = 6, 2 का -2 में देंगे तो -1, 2 - 2 = 4, 2 का -2 में देंगे तो -1 और 2 का 6 में डिवाइड देंगे तो 2 - 3 = 6। ये हमारे फर्स्ट पार्ट या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है, 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 और 2 - 1 - 3 आ गई है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट करें, नोट कर लीजिए, हो गया, हटा दें। चलिए ये तो पॉजिटिव वाले की वैल्यू आई, अब मुझे क्या करना है, नेगेटिव वाले की वैल्यू पता चेक करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे क्या ले लूँगा मैं, माइनस ले लूँगा, ये माइनस, और वैल्यू पता कर लेंगे इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। चलो इस सभी को मैं चेंज कर दूँगा और नीचे वैल्यू लिख दूँगा इसकी, ज़रा मैं ये सारा लिखा रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी इस वाले की वैल्यू लिखने की यहाँ पे इस जगह पे। तो जरा देखेंगे, 6 - 6 क्या हो गया, 0, -2 - -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2 क्या होगा, 0 हो गया, 2 - 2 क्या बना, 0 बना, -2 - -2 तो माइनस माइनस प्लस, -2 + 2 क्या बना, 0, 3 - 3 0 हो गया, -1 - -1 तो ये माइनस प्लस बन गया, तो -1 + 1 क्या बना, 0 हो गया, 2 - 2 0, -1 - -1 तो -1 + हो गया, -1 + 1 क्या बना, 0 बना, 3 - 3 क्या बना, 0 बना। अगर इस 2 का डिवाइड आप इस पूरे में दे देंगे तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, सारा का सारा 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 की संख्या में किसी का भी आप डिवाइड देंगे तो रिजल्ट आपका क्या रहता है, 0 ही रिजल्ट रहता है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, हटा दूं मैं इसे। चलिए
दोनों ही जो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, दोनों की ही वैल्यू मैंने पता कर ली है। अब दोनों को मैं ऐड करके लिख दूंगा। ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है हमारे पास 6 - 2, 2 - 2, 3 - 1, 2 - 1, 3 प्लस की जगह प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आई होप आपको ये सॉल्यूशन एकदम समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न होगा सॉल्व करूँगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए वैल्यू आएगी, और बी का भी अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आपको वही मैट्रिसेस मैट्रिक्स आपको रिपीट हो जाएगा रिजल्ट में। तो ये हमें इन दोनों चीज़ों को क्या है, ये हमें गिवन है, पहले से ही हमें दिया गया है। चलिए ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये आपको पता करना है। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए बी माइनस बी ए, इसका हमें पता करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो है या आइडेंटिटी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आपको मैं ट्रांसपोज पता कर रहा हूँ, इस चीज़ का जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसका मैं ट्रांसपोज पता कर रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जब मैं इसका ट्रांसपोज पता करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ए जो डैश या ट्रांसपोज है, ये फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक्स माइनस वाई कोई दो आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसका मुझे ट्रांसपोज पता करना है, x माइनस वाई का ट्रांसपोज पता करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि x का ट्रांसपोज पता कर लीजिए माइनस y का ट्रांसपोज पता कर लीजिए, और इन दोनों का सेम रिजल्ट आएगा आपका। या तो पहले x में से y घटाओ, उसका ट्रांसपोज पता कर लो, जो रिजल्ट आएगा x का ट्रांसपोज करो, y का ट्रांसपोज करो, इन दोनों को आपस में घटा दो तो सेम रिजल्ट आता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहां फिट होगा, यानी कि ये जो ट्रांसपोज है तो क्या बन जाएगा कि आप ए बी का ट्रांसपोज करिए और माइनस बी ए का ट्रांसपोज करिए, दोनों का रिजल्ट आपका सेम बना रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि एक मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या होती है कि मान लीजिए ए बी कोई मैट्रिसेस हैं और इसका आपको ट्रांसपोज पता करना है, ए बी का मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज पता करना है, तो इसका रिजल्ट वही रहेगा जो इसका रहेगा बी डैश ए डैश। ये रूल कई बार आपका यूज़ होगा, फिर से समझ लो कि ए का बी में मल्टीप्लाई आपने कर दिया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, कोई मैट्रिक्स आ गया, अगर उसका ट्रांसपोज आपने किया तो वही सेम रिजल्ट वही आएगा जो कि बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन ए के ट्रांसपोज में मल्टीप्लिकेशन के इक्वल दोनों की वैल्यू आएंगी, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए बी डैश को कैसे लिख सकता हूँ, ए बी डैश को जरा ध्यान देना, ए बी डैश को कैसे लिख सकता हूँ, पहले बी का डैश फिर ए का डैश, तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, माइनस की जगह माइनस दूसरे वाला का, यानी कि इसको ए डैश बी डैश मैं लिख सकता हूँ। समझ में आ गया ना आपको, ए बी डैश ये फार्मूला होता है, ये दोनों क्या है हमारे पास फार्मूला है, ए बी डैश अगर आपको पता करना है तो जो सेकंड वाला होता है उसका डैश पता कर लो इनटू फर्स्ट वाले का डैश, इनटू में मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं हम, तो सेकंड वाले का डैश इनटू फर्स्ट वाले का डैश माइनस ये वाला माइनस सेकंड वाले का डैश या ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज। अब आप देखेंगे कि हमें ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी दिया गया है, यानी कि पहले से हमसे कह दिया गया था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ट्रांसपोज आप निकालोगे सेम रिजल्ट रहेगा। तो जरा देखें कि बी डैश को मैं बी लिख सकता हूँ, भाई बी डैश को मैं बी लिख सकता हूँ, ए डैश को ए लिख सकता हूँ, तो ए डैश को मैंने ए कर दिया माइनस ए डैश को मैंने ए कर दिया, बी डैश को मैंने बी कर दिया, ये रिजल्ट हमारा आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी देर के लिए मैं माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि ये जो ए बी नेगेटिव है ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, और ये बी ए पॉजिटिव है ये क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैंने क्वेश्चन जहाँ से शुरू किया था, यानी कि ए बी माइनस बी ए, इसी का तो ट्रांसपोज निकाला था मैंने, इसी का ट्रांसपोज निकाला था, और रिजल्ट क्या आया सेम आ गया, सेम वही आ गया, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए आया है, लेकिन किसके साथ आया है माइनस के साथ आया है, साइन इसका चेंज हुआ है। तो ये मैंने क्या बताया था कि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट अगर सेम आ जाए लेकिन उसका साइन नेगेटिव आ जाए, यानी कि चेंज होकर गया है, तो उस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है।
तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे बोला गया है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ये हमें चीज दी गई है। देन अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई सिक्स आएगा, पाई बाई थ्री आएगा, पाई आएगा या थ्री पाई बाई टू आएगा, ये हमें पता करना है। चलिए पता कर लेते हैं। तो हमें क्या कहा गया है कि a प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, ये हमें चीज क्या है, गिवन है। चलिए a की वैल्यू लिखता हूँ, तो a की वैल्यू आपके सामने है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा और प्लस की जगह प्लस। अब ये लिखा हुआ है a डैश, तो a डैश ये ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि a में जो रो होती है वो हमारी कॉलम बन जाती है। तो ये जो cos अल्फा और माइनस sin अल्फा हो जाएगा, और ये sin अल्फा cos अल्फा जो सेकंड रो है ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। और इक्वल टू आई, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल वन होता है, बाकी का सारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो गया, टू कॉस अल्फा हो गया। माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या बना है, जीरो बना। साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, प्लस और माइनस माइनस, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या बना, टू कॉस अल्फा बना, और ये लिखा हुआ है वन जीरो जीरो एंड वन। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। देखो जीरो बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो, तो टू कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वन। टू कॉस अल्फा बराबर वन हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू, कॉस की वैल्यू वन बाई टू, एक बटा दो कब होती है, 60 डिग्री को। 60 डिग्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है पाई बाई थ्री। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 3.4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।